लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में अंतर है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है, हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, या टेंथ में भी हमने किया था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। अब इसके अंदर लेंस के अंदर दो किस्म के लेंस हैं, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। कन्वेक्स में दो किस्म की इमेज बनेगी, रियल और वर्चुअल, और उसी तरीके से कनकेव में क्या बनेगी, वर्चुअल। तीन केस बनते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने डेरिवेशन कर ली, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेंस को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत क्रिटिकल है, और साइन कन्वेंशन पे लेंस काम ही सिर्फ साइन कन्वेंशन पे करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेंस का केस। पहला केस है कन्वेक्स का केस है। कन्वेक्स के केस में आपको बड़ी ध्यान से चीज़ों को देखना है। कन्वेक्स के केस में अगर तो डेरिवेशन की बात करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डेरिवेशन तो 2 मिनट में हो जाएगी खत्म, तो शायद टेंथ में भी की हो, ना भी की हो तो भी करेंगे। मेन बात ये नहीं है, मेन बात आपको ये देखनी है, ये वाली, ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपके पास अगर कन्वेक्स लेंस है और अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, तो कहाँ पे फोकस होंगी, इसकी फोकल लेंथ पे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। नंबर 2, अगर आपका ऑब्जेक्ट ये लेंस है, ये लेंस की फोकल लेंथ है, ये लेंस की फोकल लेंथ है, और ये 2f है और ये 2f है, ट्वाइस दी फोकल लेंथ है। अगर मैंने देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कोई एग्जाम्पल इसका अगर देना हो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप सन को ऑब्जेक्ट मान लें, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। आप एक कन्वेक्स लेंस लें, पेज के ऊपर फोकस करें, आपको डॉट दिखता है और शायद पेज भी जल सकता है। तो जो डॉट है, ब्राइट डॉट है, वो सन की इमेज है, पॉइंट। तो यही केस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज यहाँ पर आपकी मिलेगी। दूसरा केस है, अगर आप ऑब्जेक्ट फाइनाइट दूरी पे लेते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे, मान लो यहीं पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज देखो पहले कहाँ पर बन रही थी, फोकस पे बन रही थी, पर अब कहाँ पर शिफ्ट हो गई, थोड़ी सी राइट शिफ्ट हो गई। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बियॉन्ड होना, तो बियॉन्ड है तो आपकी इमेज यहाँ से भी 2f के बियॉन्ड बनेगी, लेफ्ट ही बनेगी। तो इधर से भी 2f के इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पर 2f और f के बीच में इमेज बनेगी। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ रहे हो, पहले तो इनफाइनाइट था, अब आप यहाँ पे ले आए, अब आप 2f पे ले आए, जैसे ही 2f पे लेके आओगे, इमेज एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगी, 2f पे बनेगी। फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को 2f के और पास लेके आओ, 2f और f के बीच में ले आओ, तो आपकी इमेज 2f को क्रॉस कर गई और यहाँ पे बन गई, ये बिहाइंड है, बिहाइंड बन गई, पीछे बन गई, ये बियॉन्ड है, ये बिहाइंड है, ठीक। नेक्स्ट है, आप अपने ऑब्जेक्ट को अब फोकल लेंथ पे रख दो, तो आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। और लास्ट है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखा, तो आपकी इमेज क्या बनेगी, रियल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, अब क्या बनेगी, वर्चुअल बन जाएगी, ऑन द सेम साइड आ जाएगी। तो पहला स्टेप, एक चीज़ को नोट किया आपने, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है लेंस के, इमेज इधर खिसकती जा रही है। तो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से यहाँ पर आया तो इमेज यहाँ पर बनी, फिर और पास लेके आए 2f पे तो इमेज राइट 2f पे बनी, और पास लेके आए तो 2f को क्रॉस कर गई, और पास लेके आए तो इन्फिनिटी पे बन गई, और पास लेके आए तो वर्चुअली बन गई। अब इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट ये है, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, आपकी इमेज रियल बनेगी, रियल क्यों, क्योंकि एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल तो कभी सीधी बनती नहीं ना, रियल तो हमेशा उल्टी ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, दो, और छोटी बनेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज छोटी बनेगी। लेकिन अगर आप 2f पे रखोगे, आपकी इमेज 2f पे बनेगी और एग्जैक्टली सेम साइज की ही बनेगी। तो अगर ये 2f है तो ये 2f है, लेकिन साइज बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट इमेज की भी होगी। इस केस में अगर आपने 2f और f के बीच में रखा, तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, लेकिन आपकी इमेज क्या बन जाएगी, इसमें बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। इस छोटी को बोलते हैं डिमिनिश्ड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इसमें एनलार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। एनलार्ज बड़ी भी बनेगी और उल्टी भी बनेगी। और इसके अंदर क्या है, जब आप फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पर बनेगी, और उसी तरीके से अगर आप फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ऑन द सेम साइड बनेगी।
तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ये चीज़ों को माइंड में रखना है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस इसी डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे आपके, मतलब आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा ये कौन सा केस है। अगर आप ये चीज़ माइंड में रखते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, जिसे साइन कन्वेंशन पुट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जब पता ही लग गया कि रियल इमेज है, फिर तो पता ही है कि ऑन दी अदर साइड है, और वर्चुअल इमेज कहाँ पर बनती है, ऑन दी सेम साइड बनती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो पहला केस है, अब वापस चलते हैं, मेरा पहला केस है कन्वेक्स का, कौन सा केस है, रियल का केस है। कन्वेक्स के रियल के केस में ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, जब आपको ये डायग्राम थोड़ा ठीक डायग्राम नहीं है, रीज़न क्योंकि मैंने ये नहीं, मैं देखो मैंने आपको अगर ये डायग्राम को यहाँ से कंपेयर करें और कोई पूछे सर आपने कौन सा डायग्राम बनाया है या मैं कौन सा डायग्राम बनाऊँ प्रूफ करने के लिए, ये वाला या ये वाला, तुम कोई भी ड्रॉ कर दो, तीनों का रिजल्ट तो एक ही आएगा। लेकिन ड्रॉ करते हुए एक ही चीज़ चेक होनी है कि तुमने मार्किंग सही की है या सही नहीं की, बस सिंपल सी बात है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना दी, फिर आपको मार्किंग करनी पड़ेगी कि 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने इस डायग्राम के अंदर ये देखो, मैंने इस डायग्राम के अंदर ये ऑब्जेक्ट है और इमेज थोड़ी बड़ी बनाई है, तो मुझे मार्क करना पड़ेगा कि अगर ये मेरा F है और ये मेरा 2F है, मार्किंग कर लो प्लीज़, ये F है और ये 2F है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, F और 2F के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है और यही मैंने मिस कर दिया इसमें, तो हिल गया डायग्राम, किया तो था पर हिल गया कहीं से। F और 2F है राइट, तो इमेज अब कहाँ पर बनेगी, इमेज 2F के राइट साइड पे बनेगी और थोड़ी बड़ी बनेगी ऐसे, तो मार्किंग कर लो प्लीज़ F और 2F के बीच में और राइट साइड पे। हालांकि आप उन तीन केस में से कोई भी केस ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, लेकिन मार्किंग सही कर देना जो भी करोगे राइट। तो रे डायग्राम बनाने का तरीका कभी भी बनाना हो इसमें, तो एक रे आपने हमेशा सीधी पास करनी है और जो रे पैरल आती है वो हमेशा फोकस में से ही पास करती हुई जाएगी, और एक रे कहाँ से, सेंटर से। तो रे डायग्राम बनाने का ये तरीका है। तो रे डायग्राम में, रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये मान लो लेंस है, तो आपने क्या करना है, पहले एफ ड्रॉ करना है, फिर आपने एफ ड्रॉ करना है, ये रहा आपका 2F, ऐसे ये रहा आपका 2F, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पर लिया, यहाँ पे लिया, आपकी इमेज कहाँ बननी है, यहाँ बननी है, ये तो पहले से डिसाइडेड हो गया, क्योंकि जो मैं केस तो मैंने बनाना है ना। तो एक रे, रे डायग्राम में एक रे कहाँ जाएगी, बिल्कुल सीधी, और फिर यहाँ से एक स्केल लो, स्केल से होती हुई सीधी यहाँ पर मिल जाएगी, एक और स्केल लो, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई मिला दो आंसर। मतलब मैं तो पहले डिसाइड कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, डायग्राम उसी जगह बनेगा, ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, ठीक है। ट्राइंगल की नेमिंग ऐसी करनी है, ऑब्जेक्ट का साइज ए बी है, इमेज का ए डैश बी डैश है, और ये एफ है और ये सी डी डिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट ये है इसमें साइन कन्वेंशन कि इसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है तो इमेज रियल में राइट पे है। तो इसके अंदर ट्राइंगल्स याद करने हैं, जैसे हम हमेशा बोलते ही हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सी डैश। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ए बी सी पहला ट्राइंगल है और ए डैश बी डैश सी दूसरा ट्राइंगल है, तो रेशियो क्या लेंगे, इस ट्राइंगल की हाइट अपॉन इस ट्राइंगल की हाइट, इस ट्राइंगल का बेस अपॉन इस ट्राइंगल का बेस, हाइट बाय हाइट इज इक्वल टू बेस बाय बेस राइट। तो ये रेशियो आ गई ए डैश बी डैश बाई ए बी सी बी डैश बाई सी बी, और ऐसी इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये ए डैश बी डैश एफ ये एक ट्राइंगल है, और इन ट्राइंगल सी डी एफ ये दूसरा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल की हाइट अपॉन इस ट्राइंगल की हाइट, इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो आपके पास सेकेंड रेशियो आ गई, पहली रेशियो फर्स्ट ट्राइंगल से, दूसरी रेशियो सेकेंड ट्राइंगल से बना लोगे हाइट बाई हाइट बेस बाई बेस। लेकिन इस ट्राइंगल में सी डी, सी डी किसके इक्वल है, ए बी, तो सी डी की जगह रिप्लेस कर दो ए बी, इक्वेशन नंबर टू। अब इसके अंदर ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये भी ए डैश बी डैश बाई ए बी, दोनों के लेफ्ट बराबर है, दोनों के राइट भी बराबर कर दो, तो आपके पास ये रेशियो आ जाती है। लेंस के सारे डिस्टेंसेज कहाँ से मेजर किए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ द लेंस, लेकिन इसके अंदर ये भी सेंटर से डिस्टेंस है, ये भी और ये भी, पर ये सेंटर से नहीं है, एफ बी डैश डिस्टेंस फोकस से है,
तो ये डिस्टेंस क्या है, एफ बी डैश, सेंटर से लिखते हैं बोलो क्या, सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ। तो सेंटर से बनाने के लिए यहां पर रिप्लेस कर देते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ, ये रहा। तो इसके अंदर साइन कन्वेंशन है, रे राइट पे जा रही है, लेफ्ट का डिस्टेंस सी बी क्या है माइनस यू, सी बी डैश क्या है प्लस वी, लेफ्ट माइनस यू प्लस वी। और फोकल लेंथ तो चेक भी नहीं करनी क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ को भी नेगेटिव होती नहीं है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए सी बी माइनस यू, सी बी डैश प्लस वी, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इन सभी वैल्यूज के अंदर ये वैल्यूज को पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये टर्म आ गई रीअरेंज करके, और यू इंटू वी इंटू एफ से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें, आपके पास लेंस फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, कुछ नहीं है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स और कुछ भी नहीं। मेन जो चीज है इसमें यही है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट है और रियल इमेज में इमेज हमेशा राइट पे है। एक टर्म है जिसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन यहीं पे साइड पे लिख लो बुकलेट में, जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसमें साइज ऑफ इमेज क्या है, उल्टा, उल्टे को क्या लिखते हैं इसमें, माइनस एच टू, और ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा इरेक्ट है तो ये प्लस एच वन, तो मैग्नीफिकेशन क्या बनेगी, माइनस एच टू बाय एच वन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जो आपकी रेशियो आई थी ए डैश बी डैश बाय ए बी की, जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये रेशियो देखो, इस रेशियो में ये देखो, इधर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं, ए डैश बी डैश की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एच टू या माइनस एच टू, ए डैश बी डैश इज माइनस एच टू, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब प्लस एच वन, माइनस एच टू बाय एच वन, सीधा है तो पॉजिटिव, उल्टा है तो नेगेटिव, सी बी डैश, सी बी डैश का मतलब प्लस वी, वी प्लस वी राइट की तरफ है, और सी बी का मतलब माइनस यू। और मुझे पता है कि ये रेशियो क्या है, मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन का सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस यू। तो ये लिख लो, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है कन्वेक्स के रियल के केस में। और याद रखना मैग्नीफिकेशन की वैल्यू साफ पता लग रही है, कौन सा केस चल रहा है, ये रियल का केस चल रहा है, रियल के केस जो है वो कन्वेक्स में चलता है, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आती है इसकी, नेगेटिव। जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या आएगी इसकी, नेगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और वैसे भी रियल का केस है, याद तो क्या ही करना है, इमेज तो उल्टी बननी बननी है, और जिसकी इमेज ही उल्टी बन गई उसकी तो मैग्नीफिकेशन पक्का ही नेगेटिव है, पॉजिटिव कहां से आ जाएगी, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे, सही है। तो मतलब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा लेंस में, आपको कुछ भी याद नहीं करना, इन दी एंड तरीका ही मैग्नीफिकेशन के न्यूमेरिकली ऐसे करेंगे, कुछ याद ही नहीं करना, उसे टाइम आंसर आ जाएगा। ये तो चलो समझाने के, तो किताबी बातें समझा रहा हूँ, बुक्स ऐसे लिखती हैं ताकि तुम्हें अजीब ना लगे जब आप सोल्यूशन पढ़ो किताबों की, पता नहीं क्या लिखे जा रहा है, लेकिन हम अपना मेथड फॉर्मुलेट करेंगे जो सबसे आसान मेथड है। रियल के बाद इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल में सिर्फ एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, बना लो मार्क कर लो, थोड़ा हिल गया यहाँ से, ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है और ये लेंस है। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और लेंस के बीच में, और मैंने आपको केस दिखाया था, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच में है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। तो आप कैसे बनाएंगे, ये लेंस लें, ये फोकस लें, ये ऑब्जेक्ट लें, और इमेज बड़ी बनती है इसमें, ये इमेज बनती है, बड़ी बनेगी। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम ऐसे बनाएं कि यहाँ से एक रे लें और एक स्केल लें, मुझे पता है कि ये रे इसमें से जाएगी और यहाँ वर्चुअली मिलेगी, तो ये डॉट 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 डॉट, और ये ऐसे लाइन खींच लें कि रे ऐसे जा रही है, ये देखो, और ऐसी एक स्केल लें, ये लो ऐसे बन गया डायग्राम, पहले फिक्स कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी फिक्स कर लिया, इमेज भी फिक्स कर ली, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, डायग्राम की बात खत्म, है ना। तो वैसे सीधा भी बन सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, बट पता ही है कि इमेज कहाँ बननी है, केस क्लियर है। तो इसके अंदर थ्योरी सेम है, इन ट्राइंगल वही ए बी सी और ए डैश बी डैश सी,
इसके अंदर यही बनाना, इन ट्राइंगल ए बी सी बना देना और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी बना देना, तो हाइट बाई हाइट बेस अपॉन बेस। तो पहला रूल ये लगा लेना, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ दूसरा ट्राइंगल और इन ट्राइंगल सी डी एफ दूसरा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स, हाइट अपॉन हाइट बेस अपॉन बेस। तो हाइट बड़े की हाइट छोटे की, बेस बड़े का बेस छोटे का। तो आप जब देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन वैसी ही बनेगी जो भी बनाई थी हमने, फर्स्ट इक्वेशन इस ट्राइंगल से और दूसरी इक्वेशन में ये रेशियो आ गई। तो इस रेशियो में सी डी की जगह क्या पुट करना है, ए बी फिर से, तो सी डी की जगह ए बी। तो आप चेक करो इक्वेशन नंबर वन और टू की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर आ जाए। तो ये बराबर कर दी, सारे डिस्टेंसेस सेंटर से एक्सेप्ट एफ, तो एफ बी डैश को रिप्लेस करो, एफ बी डैश को एफ सी प्लस सी बी डैश, सेंटर को बीच में लेके आना है। तो सेंटर के साथ क्या आएगा यहाँ पर, सी बी डैश प्लस सी एफ। और लास्ट में साइन कन्वेंशन जो याद करनी है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन द सेम साइड, तो ये सेम साइड पे है, यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है और फोकल लेंथ तो कन्वेक्स की वैसे ही पॉजिटिव है। तो यू भी नेगेटिव है, ये देखो सी बी, यू भी नेगेटिव है, सी बी डैश इमेज भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ऊपर बनी इक्वेशन में पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रीअरेंज करें, यू इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड करें, आंसर आएगा। तो लेंस फॉर्मूला दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो रियल का केस आए, वर्चुअल का केस आए, कैसा भी केस आए, लेंस फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक, नेक्स्ट एक इसमें ये वाला केस ना मिसिंग है, इसे प्लीज नोट कर लें। कनकेव जगह छोड़ी हुई है इसमें, कनकेव लेंस का वर्चुअल का केस, ये प्रिंट आउट रह गया इसमें, ये डायग्राम बना लें कनकेव का वर्चुअल। कनकेव में खास बात पहले देख लें, ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधी, ध्यान से इधर देखो, एक रे सीधी डाइवर्जिंग है और एक सेंटर में से, एक सेंटर में से जानी जानी है और एक डाइवर्ज होगी, जहां ये मिलेंगी वहां इसकी इमेज है। कनकेव के वर्चुअल में इमेज छोटी बनती है, कन्वेक्स के वर्चुअल में इमेज काफी बड़ी बनी थी, दोनों में वर्चुअल बनती है पर एक में बड़ी बनती है, कनकेव में छोटी बनती है। तो ये डायग्राम को प्लीज जरूर बना लें, केस कनकेव का केस हेडिंग डाल लें, ये डायग्राम मिस हो गया बुकलेट के अंदर, इसको लिख लें। डायग्राम ट्राइंगल वही रहेंगे जो हम नॉर्मली बना रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डैश बी डैश सी और इन ट्राइंगल सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, हाइट बाई हाइट बेस बाई बेस करके दो रेशियोज आएंगे और सी डी को हमेशा की तरह कैसे रिप्लेस करेंगे, ए बी के साथ, ए बी के साथ। फिर ये दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशन में वन एंड टू, यहाँ तक करो एक बार।
डायग्राम बन गया सबका, इक्वेशंस इक्वेट करो इन्हें, वन और टू की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर कर दो, तो एक डिस्टेंस एफ बी डैश मिलेगा जो सेंटर से नहीं है, तो आप एफ बी डैश को लिखेंगे एफ सी माइनस सी बी डैश, ठीक। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो एफ बी डैश की जगह सी एफ माइनस सी बी डैश, सारे डिस्टेंसेस सेंटर से ही बनाने हैं। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, इसके बाद ये स्टेप भी क्लियर है, तो ये लिख लिया यहाँ तक, ये भी लिख लिया, हाँ तो ये लिखो, तो आपने इक्वेशन नंबर वन और टू को इक्वेट कर लिया ना, इक्वेट करके ये आएगा, फिर आपने एफ बी डैश को क्या पुट किया, एफ सी माइनस सी बी डैश, अब सारे डिस्टेंसेस सेंटर से बन गए। अब बताओ सी बी, सी बी का मतलब माइनस यू, सी बी डैश का मतलब माइनस वी, और फोकल लेंथ तो कनकेव की वैसे ही नेगेटिव है, तो माइनस यू माइनस वी माइनस एफ, सारी वैल्यूज़ को ऊपर पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू वी एफ से डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कंप्लीट कर लो इसे। सर 2 सेकंड ऊपर करना। क्या करना है ऊपर करने सर, मैं लिख रहा ये, यहीं पे हो, था। यस यस सर, सर थोड़ा 2 मिनट। जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फोटो ले सकते हो आप, सही है। हो गया सर। हमने जो पहला केस किया था उसमें ना मैग्नीफिकेशन डिस्कस की थी कन्वेक्स के रियल के केस में, चलो यहाँ भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले का जो केस था, पहले मैं बता देता हूँ फिर लिख लेना ये वाला, इससे पहले का जो केस था वो क्या था, कन्वेक्स का वर्चुअल भी था, ठीक है। कन्वेक्स के वर्चुअल में बोलो मैग्नीफिकेशन में क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव, और इमेज का डिस्टेंस क्या है, माइनस वी, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू वर्चुअल के केस में क्या रहेगी, पॉजिटिव, रियल में क्या थी, नेगेटिव, और वर्चुअल में क्या थी, पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें। पॉइंट यहां तक क्लियर है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर हम वर्चुअल के केस की बात करें, ये आपका वर्चुअल का कंकेव का केस है, फिर स्टार्ट करते हैं, बोलो यहां पे लिख लो मैग्निफिकेशन, हाइट जो है इसकी इमेज की क्या है, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की क्या है, पॉजिटिव, और इमेज की बात करते हैं तो इमेज क्या है, माइनस वी, ऑब्जेक्ट क्या है, माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन इसकी क्या है, पॉजिटिव। कौन सा केस है ये, वर्चुअल। तो एक बात तो पक्की है, रियल में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ऐसे ही है। अब कंफ्यूजन कहाँ होगी, रियल का कन्वेक्स का वर्चुअल, कनकेव का वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल में मैग्निफिकेशन की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कन्वेक्स का वर्चुअल का न्यूमेरिकल है या कनकेव के वर्चुअल का न्यूमेरिकल है। पहली निशानी क्या है, कन्वेक्स के वर्चुअल में साइज बड़ा बनता है और कनकेव के वर्चुअल में साइज छोटा बन रहा है इमेज का। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक।
तो अब इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है इससे शुरू करते हैं।